तो मनोविज्ञान को हम कैसे समझते हैं, मनोविज्ञान क्या है? आज के दौर में बहुत अब भी लोग ऐसे हैं जो इसको नहीं समझ पाते हैं। जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, हम क्यों साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, हम में तो कोई कमी नहीं है, हम नहीं समझ पाते इस चीज को। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट काजल, कोविड ने मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बहुत बढ़ाई है। जब कोविड आया, बहुत सारे लोगों में एंग्जाइटीज हुए, डिप्रेशन बढ़ा, तो लोगों में जागरूकता पहले से ज्यादा आई है। मगर आज भी बहुत लोग हैं जो साइकोलॉजी को ठीक रूप से नहीं समझते। लोग आज भी ये मानते हैं कि मैं पागल थोड़ी हूँ जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊँ। या साइकोलॉजिस्ट क्या ही करेगा यार, अगर हमारे रिश्तों में या संबंधों में कोई दिक्कत है तो साइकोलॉजिस्ट थोड़ी बताएगा, करना तो हमें ही है। कई बार माँ बाप बोलते हैं कि अरे माँ बाप से बड़ा कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं होता। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें नहीं पता है कि जब तक हम डिप्रेशन के शिकार ना हो जाएं, या बहुत सारी बीमारियों को भी जो अलग अलग हैं, लोग सिर्फ डिप्रेशन बोल देते हैं। मगर आई थिंक कुछ चीज़ों को जानने और समझने की ज़रूरत है, और आपके इस माध्यम से विल ट्राई एंड एक्सप्लेन थिंग्स अक्रॉस, कि साइकोलॉजिस्ट सिर्फ बीमारियों को या मानसिक परेशानियों को ही नहीं दूर करते हैं। साइकोलॉजी का अर्थ है जीवन को पॉजिटिव और खुशनुमा बनाना। आप और मैं या संसार में शायद कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो खुश नहीं रहना चाहता। हम सभी चाहते हैं कि हम खुश रहें, कामयाब हों, जीवन में अच्छा करें। मगर अक्सर हमारी खुद की कमियां, इंफ्योरिटी इश्यूज, इनसिक्योरिटीज, फियर्स हमें बहुत कुछ करने से रोक देते हैं। हमारा बहुत सारा पोटेंशियल निखर कर सामने नहीं आता है। तो साइकोलॉजी दोनों हिस्सों को डील करती है, उनको जो लोग आपके मेरे जैसे सोकर नॉर्मल लोग हैं मगर किसी ना किसी समस्या से डील कर रहे हैं, रिश्तों में तनाव है या फियर्स हैं, या कुछ पास्ट में ऐसी घटना हुई जो उनके जहन से निकल नहीं रही, या बहुत ओवरथिंक करते हैं, लोगों से बात करने में झिझक होती है, सोशल एंग्जाइटी होती है, एक उस हिस्से को भी डील करते हैं। और साइकोलॉजिस्ट मानसिक समस्याओं या बीमारियों को भी डील करते हैं, जैसे किसी को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ओसीडी बहुत फेमस हुआ है, मतलब लोग ओसीडी बहुत बोलते हैं आजकल, वो भी एक मानसिक बीमारी है। इस तरह की कई सारी बीमारियां हैं, उनके लिए भी साइकोलॉजिस्ट के पास आप जा सकते हैं।